रेल रा बलका पड़ना चाहिए मोरा तो नहीं पड़े चले कपड़ो आवे पड़ी है भाई दो नंबर मारे भाई बॉम्बे आई नारायण जहांगीर है, मैं बाड़मेर इंदिरा कॉलोनी में रहता हूँ और आज ट्रेन से आया हूँ, मुंबई से आया हूँ। मेरा ये व्हीकल लेके आया हूँ, टू व्हीलर, और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इस गाड़ी को परमानेंट कर दे और हम सबके लिए काफ़ी अच्छी सुविधा होगी अगर ये परमानेंट हो जाएगी तो। काफ़ी लोग हैं, जबकि अगर मैं मेरे परिवार की बात करूँ तो मेरे परिवार में लगभग 30 से 40 लोग हैं जो मुंबई में व्यवसाय करते हैं और हमारे रिश्तेदार तो अलग ही है। कर लीजिए, डेली ना हो तो हफ्ते में एक बार तो हो ही हो, ये हमारी दरख्वास्त है। बांद्रा से सूरत अहमदाबाद होते हुए बाड़मेर, ये जो ट्रेन आई है पहली बार, उससे बाड़मेर वासियों में, थार नगरी में बहुत हर्ष है, बहुत खुशी का माहौल है और लंबे समय से इस रूट पर ट्रेन की मांग मालानी की जनता करे पुकार, थार नगरी और रेल संघर्ष समिति के द्वारा किया जा रहा है मांग। और 75 वर्ष बाद, आज़ादी की 75 वर्ष बाद जब ये ट्रेन पहली बार बाड़मेर में आई है, तो आज बाड़मेर में अपने आप में स्वर्ण अध्याय में इस आज के दिन को लिखा जाएगा। आज क्रिसमस डे है और स्पेशल ट्रेन जो प्रारंभ की गई है, हमारी ये मांग रहेगी कि केंद्र सरकार से और रेल मंत्री से कि इस ट्रेन को रेगुलर किया जाए, नियमित किया जाए, क्योंकि बाड़मेर जिले के कई वासी प्रवासी रूप में बॉम्बे, अहमदाबाद और सूरत में व्यवसाय कर रहे हैं। अगर इस ट्रेन को प्रारंभ किया जाता है तो रेलवे को निश्चित रूप से इसका लाभ भी मिलेगा और बाड़मेर वासियों को लाभ मिलने से व्यवसाय भी बढ़ेगा और सैन्य शक्ति जो बाड़मेर में आज रिफाइनरी जैसी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो मिला है उससे भी और सैन्य शक्ति को भी इसका फायदा मिलेगा। इसलिए हमारी ये मांग है कि अतिशीघ्र इस ट्रेन को नियमित रूप से प्रारंभ किया जाए।